हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं थंबनेल का सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि जितना भी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस जितने भी लिखावट है, जो भी बनाया हुआ डिजाइनिंग, इसको थंबनेल बोलते हैं। तो ये कैसे लगाया जाता है, जैसे कि बता दूँ आपको, पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कैसे बनाया जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है। तो अभी के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे लगाया कैसे जाता है अपने वीडियो को। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि वीडियो अपना पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब पे, और वो थंबनेल नहीं लगाते हैं, इसलिए कि उनको पता नहीं होता है कैसे लगाया जाता है। तो ये जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि जब तक नहीं लगाएंगे आपका व्यूअर आएगा, आपको सर्च भी करेगा, आपका वीडियो को सर्च भी कर लेगा, ये लिखावट नहीं पता चलेगा कि किस माध्यम का वीडियो है, तब तक वो इसको प्ले नहीं करेगा, नहीं देखेगा, इसलिए आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो इसलिए आज के वीडियो में हम बता रहे हैं कि आप कैसे इसको आसानी तरीक़े से लगा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पर। तो चलते हैं, ओपन हो गया, देखिए क्रोम ब्राउज़र, देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी हम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा यूट्यूब, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो सर्च बार देखिए ऊपर दिख रहा है, इस पर सर्च करेंगे यूट्यूब आ जाएगा, उसको ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन हो गया, आपका चैनल खुल गया, नया डिस्प्ले आ गया। उसके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा छोटा सा आइकन प्रोफाइल का, उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक पेज खुल के आएगा, इस पर लिखा रहेगा क्रिएटर स्टूडियो, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया, देखिए लेफ्ट साइड में लिखा होगा, बहुत सारे ऑप्शन आया होगा, देखिए आया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन है। थर्ड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है वीडियो मैनेजर, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक करेंगे इस पर देखिए एक नया पेज खुल कर आएगा सामने, आ गया नया पेज। सबसे ऊपर वाले वीडियो में देखिए थंबनेल नहीं लगा हुआ है, इसमें देखिए इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लगा कर बताते हैं आपको। एक क्लिक कर लिया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए राइट साइड में एक छोटा सा एडिट लिखा हुआ है, उसका बगल में छोटा सा एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आया हुआ है। तो फर्स्ट वाले पर हमको क्लिक करना है, इन्फ्रो एंड सेटिंग पर जाएंगे। इन्फ्रो सेटिंग पर जाएंगे, उसको ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन हो गया, ओपन होने के बाद देखिए आपको तीन वीडियो दिख रहा होगा, एक ही वीडियो का तीन दिख रहा होगा। उसके नीचे में देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ कस्टम थंबनेल, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तब तक ये गैलरी में चले जाएंगे, जितने गैलरी के ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तो अब सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपका फोटो होगा थंबनेल का। देखिए आ गया, मेरा आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब अपलोडिंग होने लगा, अपलोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग हो जाएगा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, अपलोडिंग हो जाएगा। देखिए हो गया, आपको दिख रहा होगा अपलोडिंग हो गया। अब राइट साइड में देखिए एक लिखा होगा सेव, सेव पर क्लिक कर लेंगे। देखिए सेव हो गया, सेव हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना। फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे
अपने डेबिट कार्ड एटीएम से कैसे नेट बैंकिंग यूज करें अपने एंड्रॉइड फोन में।